एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज हम लोग मरे की व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हेनरी मरे 1893 में इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था और इन्होंने 1927 में बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी और इसी साल इन्होंने माने 1927 में ही ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़े और 1937 में इस विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी के प्रोफेसर अपॉइंट किए गए, नियुक्त किए गए। मरे ने 1935 में बॉस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ साइको एनालिसिस की स्थापना की, यानी 1935 में इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक संस्थान की स्थापना की और 1935 में एक बड़े महत्वपूर्ण परीक्षण की रचना की, जिसे कि आपने प्रयोगों में किया है, TAT। मरे की थ्योरी को बताने के बाद हम आपको TAT के बारे में विस्तार से बताएंगे। TAT यानी थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, और इस परीक्षण का इन्होंने जो पूर्ण विवरण प्रकाशित किया था वह 1943 में किया था। व्यक्तित्व मापन में TAT विश्व विख्यात है, यानी ये वर्ल्ड लेवल का टेस्ट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण है। सन 1962 में ये मनोविज्ञान में ही एक प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए और मरे का जो मनोविज्ञान में योगदान है वह बहुत ही विशेष महत्व रखता है। मरे के जो व्यक्तित्व सिद्धांत है इसको सारग्राही कहा गया है, और मरे का जो सिद्धांत है इसको सारग्राही मरे ने स्वयं ही कहा है और उन्होंने अपने सिद्धांत को मौलिक भी बताया है। मरे का जो सिद्धांत है उन्होंने उसे सारग्राही कहने के पीछे यह कारण दिया है कि उन्होंने अपने सिद्धांत में अन्य मनोवैज्ञानिकों के तथ्यों और प्रत्ययों को सम्मिलित भी किया है, साथ ही साथ उसमें इन्होंने कुछ नए प्रत्ययों और व्यक्तित्व अध्ययन की नई विधियों को सम्मिलित किया है। इस तरह से मरे का जो सिद्धांत है वह मौलिक भी है, क्योंकि इनके द्वारा जो नए प्रत्यय शामिल किए गए और इसके अलावा जो अब तक प्रत्यय कॉन्सेप्ट दिए गए थे उनमें भी जो इनको मान्य लगा, जो वैज्ञानिक लगा, जो व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए उचित लगा, उन प्रत्ययों को अपनी थ्योरी में इन्होंने शामिल किया है। मरे ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह आवश्यकताओं के आधार पर किया है, इसीलिए इनका व्यक्तित्व सिद्धांत नीड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का आवश्यकता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और मरे ने अपने इस सिद्धांत को पब्लिश किया 1938 में और फिर 1959 में इसमें संशोधन भी किया। अब हम आपको बताते हैं कि मरे ने व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में क्या बताया है। मरे का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है वह मनोविश्लेषण के प्रत्ययों से, और जाहिर सी बात है कि मनोविश्लेषण के प्रत्यय फ्रायड की मैक्सिमम देन है, बाद में नव फ्रायडवादियों ने भी इसमें कुछ परिवर्तन किया। तो मरे का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है वह मनोविश्लेषण के प्रत्ययों से बहुत अधिक प्रभावित है और ये व्यक्तित्व की संरचना पद से उतने सहमत नहीं थे। इनका ये कहना था कि संरचना जो एक वर्ड है यह नियमित, निरंतर और स्थायित्व है, जबकि व्यक्तित्व जो है वह एक गति करने वाली स्थिति है। और मरे ने अपने आवश्यकता सिद्धांत में
अभिप्रेरणा को बहुत अधिक महत्व दिया है। मरे ने मस्तिष्क को व्यक्तित्व का केंद्र माना है। इनका ये कहना है कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो व्यक्तित्व की संरचना का निर्माण करती हैं, और इस आधार पर अपनी जो आवश्यकता सिद्धांत दिया है उसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मरे ने पर्सनालिटी को किस प्रकार डिफाइन किया है। मरे ने ये कहा है कि व्यक्ति एक अमूर्त या काल्पनिक व्यक्तित्व जो है वह अमूर्त या काल्पनिक वस्तु है। ये एक हाइपोथेटिकल चीज है, यह कोई शारीरिक वस्तु नहीं है, यानी पर्सनालिटी दिखाई देने वाली चीज नहीं है। और व्यक्तित्व के लिए मरे ने कहा है कि यह मस्तिष्कीय प्रक्रियाओं पर आधारित है। मरे ने जो व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए लिखा है कि व्यक्तित्व शरीर का एक वरिष्ठ संस्थान है, और इसका जो वरिष्ठ संस्थान है या नियंत्रण करने वाला अंग है, यह मस्तिष्क में स्थित होता है, और मस्तिष्क नहीं होगा तो व्यक्तित्व भी नहीं होगा। इसलिए इन्होंने कहा है कि पर्सनालिटी में भी बायोलॉजिकली डिफाइंड एज द गवर्निंग ऑर्गन, यानी नियंत्रण करने वाले अंग के रूप में ही इन्होंने इसको बताया है। और ये कहा है कि गवर्निंग ऑर्गन और सुपर ऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन ऑफ द बॉडी एज सच इट इज लोकेटेड इन ब्रेन, नो ब्रेन नो पर्सनालिटी। मेन फैक्टर इनकी जो डिफिनेशन है इसमें अंतिम लाइन को ध्यान दीजिए, नो ब्रेन नो पर्सनालिटी। अगर मस्तिष्क नहीं है तो कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। मरे 1953 ने पर्सनालिटी को डिफाइन करते हुए यह भी कहा है कि व्यक्तित्व जो है उन प्रकार्यात्मक रूपों और शक्तियों की निरंतरता है जो कि संगठित प्रबल प्रक्रियाओं और व्यक्त व्यवहारों के माध्यम से जन्म से लेकर मृत्यु तक अभिव्यक्त होती रहती हैं। हम इसके पहले ऑलपोर्ट की परिभाषा भी पढ़े हैं, बहुत से मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा हमने पढ़ी है। अब जरा सा मरे की परिभाषा को फिर से आप ध्यान दीजिए कि व्यक्तित्व में प्रकार्यात्मक रूपों और शक्तियों की निरंतरता और संगठन की बात मरे ने भी की है, आलपोर्ट ने भी की है, और मरे ने यह भी कहा है कि यह जो है यह व्यक्त व्यवहारों के माध्यम से जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक व्यक्ति जीवित होता है उसकी पर्सनालिटी जो है वह एक्सप्रेस होती रहती है, अभिव्यक्त होती रहती है। इस संबंध में हॉल ने लिखा है कि मरे ने समय समय पर व्यक्तित्व की अनेक परिभाषाएं दी, और उनके जो प्रमुख तत्व हैं वह यह है कि सबसे पहली बात कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का विवरण मात्र नहीं है, बल्कि यह इनके द्वारा प्रतिपादित एक अमूर्तकरण है, एब्स्ट्रैक्ट है, मूर्त नहीं है। दूसरी चीज हॉल ने इनकी परिभाषा के आधार पर यह कहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में वह सभी घटनाओं की श्रृंखला होती है जो उसके संपूर्ण जीवन विस्तार से संबंधित होती है, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो इतिहास है वह व्यक्तित्व है, क्योंकि पूरे जीवन को इससे जोड़ा गया है। तीसरी चीज इन्होंने बताई कि एक व्यक्तित्व की परिभाषा में व्यवहार के स्थायी
और पुनरावृत्त्यात्मक अवयव यानी जो स्थायी तत्व हैं और जो रिपीट होते हैं, नए गुण और अनोखे गुण हमेशा दिखाई देने चाहिए। यानी पर्सनालिटी में केवल पुराना इतिहास नहीं होना चाहिए, केवल वर्तमान या आगे आने वाला नहीं, बल्कि नए पुराने इन सब का मिला के एक अनोखे रूप या गुण में यह दिखाई देने चाहिए। चौथी बात इन लोगों ने इनकी परिभाषा के आधार पर हॉल और उनके सहयोगियों ने बताई है कि व्यक्तित्व व्यक्ति को संगठित अनुशासित करने वाला एजेंट है, यानी जो उसकी पर्सनालिटी है वह उसकी क्रियाओं को एक ऑर्गेनाइज्ड करती है और उसे नियंत्रित भी करती है। यानी व्यक्ति में जो द्वंद्व होते हैं, जो उसके सामने खतरे आते हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उद्देश्य प्राप्त करना होता है, इन सब से रिलेटेड प्लानिंग भी पर्सनालिटी में होती है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व तो जो है पर्सनालिटी में है, पर्सनालिटी नहीं होगी तो अरे ब्रेन नहीं होगा तो व्यक्तित्व नहीं होगा। इस प्रकार हॉल ने इनकी डेफिनेशंस को एनालिसिस करके ये पांच तत्व बताए। अब हम आपका मरे के अगले जो उन्होंने पॉइंट दिया है वह है कार्यवाही और अनुक्रम, प्रोसीडिंग एंड सीरियल्स। व्यक्तित्व के लिए कार्यवाही और अनुक्रम दोनों को इन्होंने आवश्यक माना है। कार्यवाही से मतलब है कि व्यक्ति और वस्तु के बीच अंतरक्रिया या व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जो अंतरक्रिया, यानी जो कार्यवाही है वह व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भी इंटरेक्शन से हो सकती है और वस्तु और व्यक्ति के बीच इंटरेक्शन के आधार पर भी होती है। और इसी कार्यवाही और अनुक्रम के आधार पर ही जो है व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अनुक्रम का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या क्रिया को लेकर लंबे समय तक कोई अंतरक्रिया चलती है तो इसका एक सीरियल या विशेष क्रम बनता है। इसी व्यवहार अनुक्रम को मरे ने अनुक्रम कहा है। और प्रत्येक जो कार्यवाही होती है उसकी एक अवधि होती है और इसी अवधि के कारण एक अनुक्रम भी चलता है। किसी व्यवहार के शुरू से लेकर उस व्यवहार की समाप्ति तक जो कार्यवाही होती है वह एक विशेष अनुक्रम के आधार पर होती है और जो समय होता है उसी को अवधि कहा जाता है। और इसी कार्यवाही और अनुक्रम के आधार पर मरे ने ये कहा है कि व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये जो कार्यवाही होती है मरे ने इसको दो प्रकार की बताया है। जो पहली प्रकार की कार्यवाही होती है उसमें व्यक्ति एक तरह से आंतरिक या मानसिक चीजें क्रियाएं करता है, जैसे डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न देखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का चिंतन करके समाधान करना, एकांत की योजना आदि। और दूसरे प्रकार की कार्यवाही वह होती है जो कि दिखाई देती है, बाहरी रूप में होती है। इस प्रकार से मरे ने दो प्रकार की कार्यवाहियों को बताया है और ये बताया है कि आत्मगत आनुभविक पक्ष और वस्तुगत व्यवहारिक पक्ष, यह दो पक्ष बाह्य कार्यवाही के होते हैं। यानी कोई भी क्रियाएं बाहरी तौर पर तब की जाती है जब उसके पहले व्यक्ति आंतरिक पक्ष तौर पर आंतरिक कार्यवाही करता है और उसी के आधार पर बाह्य कार्यवाही की क्रिया होती है।
यह दोनों कार्यवाहियां लंबे समय तक चलती हैं, तब इनमें एक अनुक्रम स्थापित होता है, यानी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही जितनी लंबी होती है, जो समय लगता है, उसी के आधार पर अनुक्रम का निर्माण होता है। मरे ने अनुक्रम प्रोग्राम, सीरियल प्रोग्राम और शेड्यूल भी बताया है। अनुक्रम प्रोग्राम जो है व्यक्तित्व की उपलब्धियों की एक अवस्था है, जो कुछ महीनों या वर्षों तक चलने वाली होती है। इस अनुक्रम कार्यक्रम की सहायता से व्यक्ति जो है अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचता है। जैसे स्टूडेंट, आप अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई आपने बहुत दिनों से शुरू की है। हाई स्कूल इंटर में जाने के बाद ही आप कुछ लक्ष्य के संबंध में निर्णय ले लेते हैं और उसी के अनुसार अपनी एजुकेशन को चलाते हैं। यही यह अनुक्रम या सीरियल प्रोग्राम है, जो व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। योग्यता और उपलब्धि। मरे ने योग्यता और उपलब्धि को व्यक्तित्व के लिए बहुत ही व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण भाग माना है, और मरे ने ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताएं, उपलब्धियां और क्षमता अलग अलग होती है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को मरे ने भी स्वीकार किया है। एक व्यक्ति को कितनी उपलब्धि प्राप्त होगी, इस बारे में मरे ने ये कहा है कि एक तो व्यक्ति की क्षमता और योग्यता क्या है, इस आधार पर व्यक्ति को उसकी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ मरे ने आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पायरेशन की बात की है, कि जब व्यक्ति का आकांक्षा स्तर उच्च होता है और उसकी क्षमताएं सीमित होती हैं, यानी आपने लक्ष्य तो बहुत ऊंचा बना लिया है, आप में वह कैपेसिटी नहीं है, वह एबिलिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लक्ष्य ऊंचा होकर या लेवल ऑफ एस्पायरेशन ऊंचा होकर क्या होगा, आपकी क्षमताएं उस हिसाब से नहीं है, तो परिणाम बिल्कुल ही क्लियर है, स्पष्ट है। यही मरे ने कहा है कि ऐसे में असफलता मिलती है। मरे ने यह भी कहा है कि सफलता या आकांक्षाओं की पूर्ति तभी होगी जबकि व्यक्ति अपना जो लक्ष्य निर्मित करता है, आकांक्षाएं निर्मित करता है, उसको निर्मित करते समय अपनी योग्यता, क्षमता और बुद्धि, इन सब को आधार मानकर ही आकांक्षा का निर्माण करता है। यानी व्यक्ति की सफलता के लिए मरे ने ये कहा है कि जब व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता, योग्यता, इन सब के आधार पर लेवल ऑफ एस्पायरेशन को डेवलप करेगा, आकांक्षा स्तर को डेवलप करेगा, तब तो उसे सफलता मिलेगी, और जब वह इसका ध्यान नहीं रखेगा तो उसे असफलता मिलेगी। इसके अलावा मरे ने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का संस्थापन। मरे ने ये कहा है कि व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है, और यह भी कहा है कि जीवन में होने वाली घटनाओं के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता है। उसने मरे ने यह भी कहा है कि व्यक्ति की कुछ संरचनाएं अधिक समय तक चलने वाली होती हैं। मरे ने व्यक्तित्व की स्थिरता का वर्णन जो किया है, उसमें इन्होंने फ्रायड के कुछ प्रत्ययों का सहारा लिया है, किंतु फ्रायड के प्रत्ययों से, जो फ्रायड का कॉन्सेप्ट है, उससे इसको चेंज किया है। मरे ने भी फ्रायड के समान
इड, ईगो और सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट को लिया है। मरे ने फ्रायड की तरह इड के लिए ये कहा है कि इड जो है वह आदिम सामाजिक आवेगों का स्रोत है और जन्मजात प्रेरणाओं को इड से ही ऊर्जा मिलती है। आपने फ्रायड की थ्योरी में भी ये पढ़ा कि इड जो है सुख के नियम पर चलने वाला और जन्मजात और एक तरह से स्वार्थी आत्मकेंद्रित प्रवृत्तियों को प्रदर्शन करने वाला। उसी तरह इन्होंने भी कहा है कि इसमें अवांछनीय प्रवृत्तियां होती हैं। इसके साथ ही साथ इड में जो है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वांछित प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं। मरे ने यह भी कहा है कि इड में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं और इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों से ही इड को ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर यह बात प्रमुख है कि फ्रायड ने इड को केवल, हमने अभी आपको बताया कि फ्रायड ने इड को एक तरह से अनैतिक सुख के नियम पर चलने वाला ही माना था, जबकि जो मरे हैं इन्होंने दोनों प्रकार की शुभ और अशुभ दोनों ही प्रवृत्तियों को इसमें सम्मिलित किया है। अब आपको याद होगा कि फ्रायड ने ईगो को एक बैलेंसिंग पावर के रूप में बताया था जो कि व्यक्तित्व में संगठन इस तरह से करता है कि सुपर ईगो और इड के मध्य सामंजस्य का कार्य करने वाले के रूप में फ्रायड ने ईगो को डिफाइन किया था। अब मरे क्या कहते हैं? मरे का ये कहना है कि जो ईगो है वह व्यक्तित्व का केंद्र है, यह इड को भी नियंत्रित करता है और इड के जो कुछ आवेग हैं, प्रेरणाएं हैं, उनका दमन भी करता है। फ्रायड ने भी ये कहा था कि सुपर ईगो के माध्यम से वह अनैतिक इच्छाओं को अचेतन की ओर ठकेलता है और इसके साथ ही साथ और कुछ इड की आवश्यकताएं या प्रेरणाएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए यह व्यवस्था भी करता है। यानी अहम जो है व्यवहार को संगठित और व्यवस्थित बनाए रखता है। सुपर ईगो के बारे में मरे ने ये कहा है कि परा अहम का निर्माण यानी सुपर ईगो का निर्माण संस्कृति के आधार पर होता है, कल्चर के आधार पर होता है। जिस समाज या संस्कृति में व्यक्ति रहता है उसके अनुसार उसका सुपर ईगो डेवलप होता है। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, आदर्श आदि को ध्यान में रखकर ही व्यवहार का नियंत्रण करने वाली अवस्था को मरे ने सुपर ईगो कहा है। मरे ने एक ईगो आइडियल कॉन्सेप्ट भी दिया है। आत्म का आदर्श चित्त रखने वाली व्यवस्था को इन्होंने ईगो आइडियल कहा है। यह सुपर ईगो से अलग है और कई बार यह सुपर ईगो से घनिष्ठ रूप से संबंधित भी हो सकती है। अब हम मरे द्वारा वर्णित डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की गतिकी की बात करते हैं। व्यक्तित्व की गतिकी में सबसे पहले मरे ने नीड को डिफाइन किया है, आवश्यकता को डिफाइन किया है। और मरे के ही शब्दों में हम कह सकते हैं कि आवश्यकता एक परिकल्पनात्मक तथ्य है जो मस्तिष्क में एक बल की तरह है और यह बल जो है प्रत्यक्षीकरण करने, संप्रत्यक्षण करने, बौद्धिक कार्य करने तथा क्रिया करने में सहायक है और इसके कारण
एक निश्चित दिशा में इसे रूपांतरित कर दिया जाता है। आवश्यकता कभी कभी आंतरिक प्रक्रिया द्वारा प्रत्यक्षतः उद्दीप्त होती है। बहुधा आवश्यकता का उद्दीपन प्रभावशाली वातावरण दबाव द्वारा होता है और प्रत्येक आवश्यकता में संवेग या भाव होते हैं। यानी अब इस परिभाषा को आप ध्यान दीजिए, ये मरे के ही शब्दों में थी कि इसमें आवश्यकता को कैसा कॉन्सेप्ट माना गया है, एक परिकल्पनात्मक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में बोला गया है और जो मस्तिष्क पर बल डालती है, प्रेशर देती है, किस लिए कि इस आवश्यकता की पूर्ति की जाए। और यह बल जब पड़ता है मस्तिष्क पर तो आप किसी भी क्रिया को करने में सोचना, समझना, देखना, ये सब चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो मस्तिष्क जो है समस्त बौद्धिक कार्यों के लिए मरे ने रिस्पॉन्सिबल माना है और एक तरह से मस्तिष्क को ही पर्सनालिटी के रूप में भी डिफाइन किया है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो है जो आवश्यकता है वह प्रभावशाली वातावरण दबाव में ही निर्मित हो जाती है और इसके द्वारा जो आवश्यकता है, हर आवश्यकता में एक इमोशन या फीलिंग होती है। साथ ही साथ मरे ने यह भी कहा है कि आवश्यकता मस्तिष्क क्षेत्र के एक दैहिक रासायनिक बल को प्रतिबिंबित करती है। यानी इनको इन्होंने ये कहा है कि इसमें दैहिक और रासायनिक दोनों क्रियाएं होती हैं, फिजियोकेमिकल फोर्स की बात इन्होंने की है, और जिसमें जिससे कि क्या होता है कि जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, यह इसके द्वारा संगठित भी होती हैं और आवश्यकताओं की उत्पत्ति जैसे भूख, प्यास आदि जो होती है, यह उत्पन्न भी होती हैं और इनकी वातावरण में जो वातावरण की घटनाओं से भी यह उत्पन्न होती हैं। आवश्यकताओं की उत्पत्ति का कारण चाहे शारीरिक हो, आंतरिक हो, बाह्य हो, यह आवश्यकताएं, मरे का ये कहना है कि आवश्यकताएं चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो, व्यक्ति में एक टेंशन लेवल क्रिएट करती हैं, तनाव स्तर को उत्पन्न करती हैं और जब यह आवश्यकता की संतुष्टि होती है तो यह तनाव भी कम होता है या समाप्त होता है। मरे ने अपनी रिसर्च के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर 12 दैहिक आवश्यकताओं का और 28 मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का वर्णन किया है। मरे द्वारा वर्णित प्रमुख आवश्यकताओं को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पहली चीज इन्होंने एक दिया है अवनमन, एबैसमेंट, यानी किसी बाह्य शक्ति के सामने झुकना ही अवनमन है। यानी कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की आलोचना, दंड, निंदा को चुपचाप स्वीकार कर लेता है और ऐसे में व्यक्ति जो है भाग्य के भरोसे में रहता है और प्रत्येक परिस्थिति, माने यह जो प्रवृत्ति जिसमें ज़्यादा होगी वह प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को ही गलत मानता है और पश्चाताप करता है, पीड़ा, दंड, बीमारी, दुर्भाग्य आदि को वह सब चीज़ों को स्वीकार कर लेता है। इसके पहले आपने लोकस ऑफ कंट्रोल में भी इस तरह के नियंत्रण के बारे में पढ़ा था। अब हम आपको बता रहे हैं मरे द्वारा वर्णित अगली आवश्यकता के बारे में, उपलब्धि, अचीवमेंट। मरे ने यह कहा है कि उपलब्धि आवश्यकता में व्यक्ति जो है
उपलब्धि यानी कुछ विशेष अचीव करना, विशेष प्रकार की प्राप्ति करना। तो व्यक्ति किसी कठिन कार्य को पूरा करता है कि कोई विशेष चीज बनाता है, व्यक्तियों को संगठित कर सकता है, विचारों को व्यवस्थित रूप दे सकता है, यानी कुछ अनोखा अलग प्रकार का करता है। और इसमें व्यक्ति जो है जो भी कार्य करता है वह काफ़ी स्पीड से, गति से यानी शीघ्रता से करता है और एक तरह से स्वतंत्र होकर करता है। उसे पता होता है कि इसको करने वाला वह स्वयं है और जो भी बीच में किसी प्रकार की रुकावट, बाधा आती है उसको वह जीतना जानता है, उस पर वह विजय प्राप्त करना जानता है। और वह उच्च स्तर के कार्य करके उपलब्धि, अभिप्रेरणा आपने पढ़ी हुई है कि जिन लोगों में अधिक होती है वह हमेशा दूसरों से अलग, आगे और इस ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसमें कि वह सफल हो। तो मरे ने भी ये कहा है कि यह उच्च स्तरीय कार्य करके दूसरों से आगे निकलता है और अपनी प्रतिभा का उपयोग करके सफलता प्राप्त करता है। और इस प्रकार इस अभिप्रेरक की संतुष्टि जब व्यक्ति करता है, जिनमें भी उपलब्धि अभिप्रेरणा पाई जाती है, वह इस प्रेरक की संतुष्टि करके अपने आत्म सम्मान में वृद्धि करता है। वह अपने आप को काफी संतुष्ट महसूस करता है जब उसकी उपलब्धि अभिप्रेरणा की संतुष्टि होती है। मरे ने भी संबंधन अभिप्रेरक की बात की है। हमारे समझ से संबंधन अभिप्रेरक का नाम सुनकर आपको मैस्लो की थ्योरी भी याद हो गई होगी, याद आई होगी कि मैस्लो ने भी संबंधन की आवश्यकता पर बल दिया था। हम आपको यहाँ पर मरे का आवश्यकता सिद्धांत बता रहे हैं। और मरे ने जो एफिलिएशन की बात की है, उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की आवश्यकता जिस व्यक्ति में होती है वह व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्तियों के साथ या समीपता में प्रसन्न होता है। उसे दूसरों के साथ जुड़ना, इंटरैक्शन करना, अंतर क्रिया करना पसंद आता है। और किसी भी वस्तु, केंद्रीय वस्तु को अगर वह जीतना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें वह अपने फ्रेंड्स के प्रति, अपने मित्र के प्रति निष्ठावान भी रहना चाहता है। और वह हमेशा ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत पसंद करता है जो कि उसकी रुचि के अनुसार हो, और ऐसे लोगों के साथ वह रहना और सहयोग देना और सहयोग लेना दोनों प्रकार की क्रियाओं को पसंद करता है। अब हम इनकी अगली आवश्यकता की बात करते हैं, आक्रामकता। आक्रामकता आवश्यकता की जो उपस्थिति होती है, मरे ने आक्रामकता आवश्यकता की उपस्थिति में कहा है कि व्यक्ति जो है वह जो भी चीजें उसके विरोध में हैं उस पर वह विजय प्राप्त करने के लिए उसका बलपूर्वक सामना करता है, डट कर मुकाबला करता है, बदला लेता है या दंड देता है। यानी इस तरह की आवश्यकता में व्यक्ति जो है दूसरों पर आक्रमण करके उसे चोट पहुंचाकर उसे जीतना चाहता है। मरे ने स्वायत्तता को भी एक आवश्यकता के रूप में बताया है, ऑटोनॉमी। यह वह आवश्यकता है मरे के अनुसार जिसमें व्यक्ति जो है बंधनों में नहीं रहना चाहता है। वह बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र रहना चाहता है। जितनी भी रुकावटें होती हैं उनको हटा देना चाहता है। बंधन उसको पसंद नहीं आते हैं और उसमें वह
प्रभुत्व डोमिनेटिंग और अधिकारियों द्वारा निर्धारित, जो मतलब उसमें एक तरह से ऐसे बंधन वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है जो उसके ऊपर कोई दूसरा प्रभुत्वशाली व्यक्ति या अधिकारी जो है उस पर निर्धारित करे, और ऐसे कार्यों को वह करना ही नहीं चाहता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें स्वायत्तता की प्रधानता होती है, वह सामाजिक रीति रिवाजों का पालन नहीं करता है, और यह व्यक्ति उत्तरदायित्व विहीन रहना चाहता है, यानी वह किसी प्रकार की जिम्मेदारियों का पालन नहीं करना चाहता है। यानी ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र रहकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहता है। इसके अलावा मरे ने एक आवश्यकता बताई है, प्रतिकार। प्रतिकार को एक ऐसी आवश्यकता के रूप में इन्होंने डिफाइन किया है जिसमें कि व्यक्ति जो है एक बार असफल हो जाने पर पुनः फिर से प्रयास करता है, और यह प्रयास इसलिए होता है कि जब भी कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसका अपमान होता है, दूसरे उसका उपहास करते हैं, तो इस तरह से वह दोबारा सफल होकर अपने अपमान को छुपाता है, अपने उपहास को खत्म करता है, और अपने अपमान और उपहास को दूर करके फिर से सफलता प्राप्त करके, और जो वह भय था उसका, उसको वह दबा देता है, और इस तरह से वह फिर से अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने का एक एक्टिव प्रयास करता है, सफल प्रयास करता है। मरे ने डिफेंस, प्रतिरक्षा आवश्यकता की भी बात की है। मरे ने यह कहा है कि प्रतिरक्षा द्वारा व्यक्ति जो है अपनी आलोचना और दोषों और गलत कार्यों, असफलताओं से बचने का प्रयास करता है, और अपने आप अपमान जो कुछ, देखिए प्रतिकार और प्रतिरक्षा के अंतर को स्पष्ट तौर पे समझिए कि प्रतिकार में व्यक्ति अपनी जो असफलता है उसको फिर से दूर करके अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। प्रतिरक्षा में वह अपने आप को छिपाकर, अपने अपमान को छिपाकर स्वयं को सही सिद्ध करता है और अपने अहम को, ईगो को निर्दोष बनाए रखने का प्रयास करता है। इस प्रकार वह दूसरों की जो निंदा है, आलोचना है और आक्रमण से अपने आत्म की रक्षा करता है। अनुवर्तन, डिफरेंस। मरे ने ये कहा है कि इस प्रकार की जो अनुवर्तन आवश्यकता है, व्यक्ति अपने से उच्च या श्रेष्ठ व्यक्ति की प्रशंसा और उसका समर्थन करता है, और अपने समर्थन करने वाले व्यक्ति को के प्रभाव को हमेशा अच्छे से सहर्ष रूप में स्वीकार करता है, और व्यक्ति जो है परंपराओं का भी अनुसरण करता है। यानी इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है नियमों को मानने वाला होता है, जो उससे श्रेष्ठ हैं, सुपीरियर हैं, उनको वह समर्थन ही नहीं करता है, उनकी प्रशंसा भी करता है। प्रभुत्व, डोमिनेंस। व्यक्ति जो है अपने चारों ओर के वातावरण में जो लोग भी हैं, यानी जितने भी लोग उसके वातावरण में हैं, वह दूसरों को नियंत्रित करने के लिए हमेशा सुझाव देता है या दबाव डालता है या आदेश देता है। यानी इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह दूसरों पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, और इस प्रभुत्व को जमाने के लिए वह कई बार दूसरों को भी इसको ऐसा करने के लिए सुझाव या सलाह देता है।
और दूसरों को कई बार ऐसा भी कर सकता है, या तो नियंत्रित करने का आदेश देता है, या दूसरों को कई बार कुछ ऐसा भी निर्देश देता है कि वह काम रोक दें, काम न करें। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने प्रभुत्व को, अपनी क्षमता का प्रदर्शन वह करता है, या तो दूसरों को नियंत्रित करके या दूसरों को काम करने से रोककर। प्रदर्शन, एक्सिबिशन, इस प्रकार की आवश्यकता जिन व्यक्तियों में होती है, वह यह चाहते हैं कि दूसरे लोग उसे देखें और देखें, जानें, और इस प्रयास में वह हमेशा दूसरों को उत्तेजित भी करता है और अपने कार्यों के द्वारा, अपनी इच्छाओं के द्वारा दूसरों को वह आश्चर्यचकित कर सकता है, चमत्कृत कर सकता है, उन्हें प्रलोभन दे सकता है, लालच दे सकता है, या अपनी बातों की जादूगरी के जाल में उन्हें उलझा भी सकता है। तो अब तक हमने आपको मरे की 10 आवश्यकताओं के बारे में बताया। अभी मरे द्वारा वर्णित अन्य आवश्यकताओं के बारे में हम आपको और बता